भिवंडी पश्चिम की ओर से डावी लोकशाही समिति की ओर से रिपब्लिक पार्टी ऑफ सेकुलर के उम्मीदवार शीतल गायकवाड़, ये जो सारी समस्या है, जैसे शिक्षा की समस्या है, पानी की समस्या है, नागरिक सुविधा की समस्या है, हम ये मैसेज लेके चले हैं, ये विजन लेके चले हैं कि समता के लिए, विकास के लिए और एक भयमुक्त भिवंडी बनाने के लिए हम ये चुनाव लड़े। हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं वो किसी मतलब से हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, पहली बात यह है। या हम लोगों ने उन्हें किसी ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं कि हमारे साथ रैली में चुनाव होगा, आपको 2-3 हज़ार रुपये देंगे। जो भी आए हैं वो हमारे प्यार के साथ आए हैं और हम काम करते हैं स्टाफ के विचारों के साथ आए हैं। मैं चुन के आने के बाद मेरा प्रथम काम रहेगा जो युवा मेरे साथ में है उनको उचित शिक्षा मिले, वो शिक्षा के लिए फिर रोजगार मिले, वो रोजगार के लिए इसको जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। भिवंडी के विकास के बारे में बोले जाएगा तो भिवंडी की आज अवस्था बहुत खराब है। भिवंडी के रास्ते जगह जगह पे अगर रास्ते देखेंगे तो खड्डों से भरा हुआ रास्ता है, रास्ता ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। बारिश की पोजिशन तो ऐसी थी कि खाड़ी पार का हमारे अगर रास्ता देखेंगे तो वहाँ से अगर कोई देखने में औरत को अगर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करेंगे तो रिक्शे में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, ऐसी पोजिशन हमारे खाड़ी पार रास्ते की थी। चेलान मिट पड़े थे हमारे रास्ते की वैसी भी अवस्था थी और भिवंडी सिटी में पूरे रास्ते की अवस्था वैसे ही है। पानी की समस्या है भिवंडी में, पावर की समस्या है, टोरेंट ने लूटमार मचा के रखी है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। भिवंडी जनता से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब जात के, सब धर्म के और सब जगह से जो आए हुए जो लोग हैं वो सब इकट्ठा रहे, बाबा साहब के संविधान के साथ संविधान से हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे सब जात के और सब धर्म के लोग हमें साथ चाहिए और वो साथ रह के हम अपनी लड़ाई लड़ें। इसके लिए हम अपील करते हैं 15 तारीख को जो इलेक्शन है वो इलेक्शन में रिक्शे के ऊपर पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर के उम्मीदवार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को चुन के लाए, ऐसा मैं अपील।